एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन है ये देखने के लिए कि लाइट पोलराइज हुई या नहीं हुई। तो इसके लिए दो क्रिस्टल ले आओ, टॉर्मलिन क्रिस्टल लेके आओ, दो, एक नहीं दो लेके आने हैं। एक लाइट को पोलराइज करेगा और एक चेक करेगा कि लाइट पोलराइज हुई या नहीं हुई। तो ये अनपोलराइज लाइट आई, पहला टॉर्मलाइन क्रिस्टल इसको पोलराइज करेगा और इस क्रिस्टल का नाम क्या है, पोलराइजर। पोलराइजर का मतलब जो लाइट को क्या करता है, पोलराइज करता है। दूसरा सेम क्रिस्टल है टॉर्मलिन क्रिस्टल, इसका नाम है एनालाइजर, जो लाइट को एनालाइज करता है कि पोलराइज हुई या नहीं हुई। तो अनपोलराइज लाइट आई, पोलराइज हो गई मान लो, तो अगर आपने अगला एनालाइजर इसके पैरेलल रख दिया फिर तो यहां पे लाइट बिल्कुल क्रॉस कर जाएगी, पर अगर आपने इसको परपेंडिकुलर रख दिया तो लाइट एकदम इसे क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी। तो अगर लाइट बिल्कुल भी बाहर नहीं आई इसका मतलब ये लाइट पोलराइज हुई हुई है। पर सोचो अगर लाइट बाहर आ जाती, यानी कि ये वाइब्रेशन भी है इसमें, इसका मतलब बीच के रास्ते में लाइट पोलराइज नहीं हुई। तो समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करते हैं पोलराइज हुई कि नहीं हुई। ठीक है, यहां तक 90 डिग्री पे तो बिल्कुल भी लाइट बाहर नहीं आएगी, पक्की बात है, अगर पोलराइज हो चुकी है। हाँ अगर बीच में नहीं पोलराइज हुई फिर कुछ पार्ट तो बाहर आएगा, अगर टेढ़ा आ रहा है तब भी बाहर आ जाता है। ठीक है यहां तक, तो एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन क्लियर है। तो पहले का नाम क्या है, पोलराइजर, दूसरे का नाम क्या है, एनालाइजर।